एकत्र हुए हैं सभी लोगों के लोगे, आपकी क्या मांग है? मैं रीजन रावत जिला से इंद्र सिंधा कर्मचारी संघ से, हम लोगों की मेन मांग है कि हम लोगों का जो वेतन है बहुत कम दिया जा रहा है, 7,000 से 8,000 दिया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को गुजारा नहीं हो पा रहा है, हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो इस शोषण को रोकने के लिए हम लोगों ने आज कार बहिष्कार किया हुआ, हम लोगों का कहा था इससे कार बहिष्कार चल रहा है, और 7 सितंबर से विजय सेक्टर से हमारे श्री देवेंद्र पांडे जी द्वारा लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 15 तारीख को हम लोगों ने लखनऊ में सत्य भवन का चढ़ाव किया था, लेकिन वहाँ पर हम लोग विफल रहे, क्योंकि पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा हम लोगों को भरवर्ती एक उद्घाटन में जेल भरवान की तरह से वहाँ से हटा दिया गया। अब हम लोगों की मेन मांग है कि हम लोगों को ठेकेदारी हटा के मस्तौल पे किया जाए, क्योंकि ठेकेदारी के द्वारा हम लोगों का शोषण हो रहा है, कमीशन खोली चल रही है उसमें, तो ठेकेदारी हटा के हम लोगों को मस्तौल पे किया जाए। अगर मस्तौल पे नहीं किया जाता है किसी कारणवश, तो हम लोगों को 18,000 वेतन दिया जाए। उसके बाद जो हम लोगों के बीच में एक्स मैनों को क्या नाम निगम के द्वारा जो रखा जाता है, उन लोगों का टेंडर 24,000 का दिया जा रहा है, और हम लोगों को 8,000 का ही 9,000 का ही वेतन दिया जा रहा है। तो हम लोगों के साथ ये दुर्भावपन हो रहा है, उसी दुर्भावपन को हटाने और दूर करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आगे हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो, 7-8 हज़ार में कहाँ से गुजारा कर पाएंगे। ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों का शोषण हो रहा है उसको रोका जाए किसी भी प्रकार से, जिससे हम लोगों को भी आगे उन्नति हो सके। हमारा कोई ऐसा धंधा नहीं है कि हम किसी को कोई आघात पहुंचाए या पब्लिक को परेशान करें, हम शांतिपूर्वक यहाँ धंधा दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अगर आपकी कोई मांगे जैसे की जा रही है, अगर ये मांगे पूरी तो आप आगे क्या लेने देंगे? आगे हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, क्योंकि ये धरना एक जिले में नहीं 75 जिलों में धरना चल रहा है, और सभी का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना बराबर चलता ही रहेगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।